पिथौरागढ़ सिरोन से बंसल कंपनी टोल के कर्मचारियों ने किया काम बंद की हड़ताल। आरोन गुना रोड पर बना बंसल कंपनी का टोल नाका के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से कंपनी से वेतन बढ़ाए जाने और पीएफ काटने को लेकर मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग को कंपनी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा था। कर्मचारियों आक्रोश होकर काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। टोल कर्मचारियों उन्हीं सी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे थे। कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने से कई गाड़ियां बगैर टोल दिए निकल रही थी, जिससे कंपनी को काफी घाटा हुआ और कर्मचारियों द्वारा एसटीएम के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हम टोल टैक्स पर कार्यरत हैं, हमारी सैलरी मात्र 7,000 रुपये में कार्य कर रहे, जबकि महंगाई आसमान छू रही। इस कारण 7,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा। कर्मचारियों की मांग को हमें कलेक्टर रेट के मान से भुगतान किया जाए, वो कंपनी द्वारा जो हमारा पीएफ काटा जा रहा है उसे भी बंद किया जाए। टोल कर्मचारियों ने मांग की है कि हमारी मांगें पूरी की जाए, वो कंपनी से पीएफ काटा जा रहा है उसे भी बंद किया जाए। हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन किया जाए, दीपावली से या फिर जो भी बड़ा त्यौहार आता है उसको बोनस दिया जाए सर। अक्सर मेरी बात जी इस टाइम पे सर, मेरी बात को तुम्हारी बात मैंने समझ ली, ठीक है ना। अपन लोग सब कर्मचारी हैं ना, अगर परेशानी जो भी है तो अपन सेठ जी को बताएंगे ना, अन्यथा बिना सूचना के पेट्रोल बंद नहीं कर सकते। देखो मेरी बात तो सुनो, कोई भी बात हो गई आपकी हुई तो आपको बताना चाहिए, सेठ जी को आप बताओ। जब आप आप उसमें क्या वजह है आप धरने पे बैठे हैं? हमारी एक ही वजह है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। लगातार हम कहते हुए आ रहे हैं सेठ लोगों से, वर्क कर्मचारियों से, कंपनियों के से कहते हुए आ रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है गवर्नमेंट कर्मचारी जो गवर्नमेंट जो रेट है उसी रेट पे सैलरी दी जाए। तो प्राइवेट कर्मचारी सैलरी नहीं दी जा रही हमारे लिए। 7,000 रुपये देते हैं हमें, उसमें हमारा कहीं भी चले जाते छुट्टी भी नहीं मिलती हमारे लिए, और हमारा पीएफ भी नहीं है। और अगर आते जाते समय हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है उसका कोई जवाबदार नहीं है। केस सैलरी देते हैं, पीएफ भी नहीं काटा जा रहा, बीमा भी नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कराया सर। आप कभी बीमार वगैरह हो जाते हैं उस टाइम पे छुट्टी मिलती नहीं, नहीं। हमारे खुद जेब से कराते हैं, 7,000 में से इलाज भी कराते हैं, हमारे दो बच्चों का इलाज भी कराते हैं। हमारे साथ कोई भी हादसा होता है तो वो जेब से हमारे घर। और 4 साल हमें जॉब करते हुए गए और थोड़ी सी गलती में हमारे लिए बोल देते हैं घर जाओ, इसका कोई नियम ही नहीं है। कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पर? हमें यहाँ पर 22 कर्मचारी 21 कर्मचारी काम करते हैं फिलहाल में, एक स्वीपर को लगाकर, किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ाई। कर्मचारी इसी टेंशन में खत्म हो गया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई चारा नहीं था। तो आपने चक्का जाम भी किया था इधर? जी हमने चक्का जाम भी किया था, लेकिन कुछ अधिकारियों एलटीएम वगैरह के फोन पे हमने चक्का जाम खोल लिया है। तो कितनी देर हो गई थी चक्का जाम को? 15-20 मिनट हो गए थे उसको। क्या नाम है आपका? नितेश यदुवंशी। किस विषय में आप धरना प्रदर्शन? क्या 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 समस्या है आप सारा विस्तार से बताइए। जी हमारी समस्या ये है कि हमें 4 साल टोल चालू हुआ है, लेकिन आज तक हमारी सैलरी 1 रुपये नहीं बढ़ाया गया है। 7,000 रुपये में हम जॉब भी करते हैं, इसके बाद में हमारी ये भी एक बस दरख्वास्त है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो जब जी हमारा कितने रुपये सैलरी होनी चाहिए? जी हमारे हिसाब से कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए, महंगाई के हिसाब को देखते हुए कि मतलब 7,000 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता। हमारी सैलरी कम से कम 10,000 रुपये की जाए, पीएफ काटा जाए हमारा, तो ऊपर इसके ऊपर बोनस नहीं मिलता हमें। कोई भी त्यौहार आता है या कुछ भी होता है हमें बोनस कभी नहीं दिया गया आज तक, और ना तो हमारे लिए ड्रेस मिलती है। ड्रेस अभी हमारे लिए शायद 1 साल से ऊपर हो गई है, उसके पहले ड्रेस दी गई थी, वो भी ऐसे कपड़े की दी जाती है जो कि पहनने लायक नहीं होता। टाइम पर सैलरी नहीं मिलती हमें, अभी 2 महीने हो चुके हैं अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। आप कब से कार्य कर रहा है यहाँ पर? जी मैं 2017-24 नवंबर से काम कर रहा हूँ। आप कौन कौन कितने साथी हैं, वैसे कितने लोग हैं? हम 19 लोग हैं अभी, वैसे 21 लोग हैं, 2 इंचार्ज हैं, उसमें बाकी के 19 कर्मचारी हम लोग हैं। तो सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई सैलरी नहीं बढ़ाया। और जैसे कि कोई त्यौहार आता है उस पर दीपावली पर भी ऐसी मिठाइयाँ देते हैं कि जो गोदाम पर भी लगा। सर ये चक्का प्रदर्शन कर रहा है सर कर्मचारी आपके, ये हाली आके मैंने उनसे संपर्क हुई तो साधा है कि क्या कारण है सर आपकी नॉलेज में नहीं है? जब से ये अभी जब नॉलेज में तो है तो जिसमें डाल दिया इनका क्या है, तो कैसे टैक्स से जाए उसमें? जी जी तो भैया ने जो देखते हैं अपने ये रिपोर्ट जो निकलती है उसमें देखा है, तो भैया ने कहते थे भाई इसको निकाल दो, अगर यहाँ से आते रहेंगे तो बाहर कर दो, यानी कि टीसी से विंडो हेल्पर या गार्ड में कहीं भी कर दो, नहीं करे तो मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ।
समस्या अपन ने इनकी सुन ली। इसके बाद जिनकी ये समस्या कह रहे हैं कि सैलरी जल्दी हमारी बढ़ाओ, तो ये तो सेठ जी का काम है, सेठ जी बढ़ाएंगे सैलरी। सर सेठ जी क्यों नहीं बढ़ाते, आपकी कभी बात नहीं हुई क्या सेठ जी से? सेठ जी से मेरी बात हुई, लेकिन सेठ जी के को मैंने बता रखा है कि साहब ऐसी बात है, अब वो कह रहे हैं कि 2.5 साल में इसमें बढ़ा भी सकते हैं। सर ये इन लोगों की मांगे, लगभग पिछले 4 साल से हमारी कभी भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। सर ये तो ऐसा नहीं हो सकता है सर, कोई भी विभाग हो उसमें हर साल प्रत्येक साल सैलरी बढ़ाई जाती है, या अगर दुकान भी है तो दुकान का किराया भी है तो उसमें कुछ परसेंट वृद्धि हो जाती है हर साल। तो ये लोग तो लगभग 4 साल से काम कर रहा है और आपने इन लोगों ने ही बात करी है, कई बार सेठ जी से बात करी है इन लोगों ने, इनको ही पता है सब, सेठ जी यहीं आते हैं, ये लोग खुद बात करते हैं। फिर सर इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? मुझे पता नहीं, मैं गुना रहता हूँ ना, तो सर अभी गुना टोल पर रहता हूँ मैं, और सेठ जी यहाँ आते हैं सरवाई, और इन लोगों की बात भी होती है सेठ जी से जी, यहीं पास में जो मेरा अपना प्रेशर भी लगा था, इन लोगों के पास आते हैं, कहीं गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सबने बात भी कर ली है सेठ जी से। तो अभी आपका संपर्क हो गया है कि सेठ जी से आ रहे हैं क्या अभी? हाँ मेरी अभी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा देखो भाई क्या कह रहे हैं ये लोग, आश्वासन भी दिया गया तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको वापस बुलाने के लिए ड्यूटी। हाँ बुला लेते, बुला ही देती, मतलब थोड़ा सा वो तो कहना तो पड़ती है, नहीं कहोगे तो लोग। सर अभी अभी अगर ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो सर ये टोल का क्या होगा? अभी कुछ नहीं, तो दूसरे तरफ नहीं रख देंगे, ये लोग नहीं करेंगे दूसरे बुला के रख देंगे, मगर सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। सैलरी बढ़ाएंगे बिल्कुल, अब वो सेठ जी बढ़ाएंगे यार। ठीक, खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।